हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पूरे वर्ष की करंट अफेयर जो है 2023 से लेकर 24 तक की आपकी कवर कराई जा रही है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड हैं और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को भी देखते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में जो है एलिजाबेथ ज्वेलाक फोर्ड पुरस्कार जीता है। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन जोमेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन है 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य में इस राज्य ने अपना जो है 10वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपका वह राज्य कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित जो है लेखक जाजी जे गोस्पोडिनाओ ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। याद रखिएगा सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर तमिलनाडु होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भेजते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम जो है बैलिस्टिक सिस्टम जो है मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान से किया गया है। क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की एकता कातरवीं जो है 2023 का आयोजन किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल जो है आपका 27 वर्ष बाद। याद रखिएगा क्वेश्चन, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी। याद रखिएगा, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत जो है कितने प्रकार जो है परख के साथ कौन सा स्थान रह रहा है। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, यहाँ पदक नहीं रहेगा, पदक रहेगा। याद रखिएगा, पदक के साथ कितने स्थान पर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर में उठे जो है विप्रज जाए जो है साइक्लोन का नाम जो है किस देश द्वारा रखा गया। तो आपका जो है जिस देश के द्वारा इसका नाम रखा गया वह देश आपका बांग्लादेश है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त जो है विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रितु कालरा। आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की बैठक जो है 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सी स्थान पर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा IIT मद्रास। याद रखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 18वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस। आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ही में जो है 1450 करोड़ रुपए की चार जो है नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा असम। याद रखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में जो है भारत की पहली महिला जो पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिड़ला ग्रुप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जो है भद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ आर जो है येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों 5 जून 2023 को जो है इसकी जो वर्षगांठ मनाई गई है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा सभी लोग, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, भारत का पहला कार्बन जो तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिवंडी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई ने, याद रखिएगा आरबीआई ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है इन्होंने। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर सॉरी जो 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो वह देश कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, चीन, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे जो है टोटल 100 क्वेश्चंस जो है 700 क्वेश्चंस देख चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।